समर्पणी सफलता। यदि आप भी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो द्रोणा IAS अकेडमी। हमारा पता है लाल स्कूल के पास गायत्री मंदिर के सामने गोपालगंज सागर। नौगांव के ग्राम महुसहानिया में विरासत महोत्सव में शुभारंभ के मौके पर दीप प्रज्वलन से ठीक पहले पूर्व विधायक और सांसद स्वर्गीय जितेंद्र सिंह बुंदेला, जिनका विरासत महोत्सव में बड़ा योगदान रहा है, उनका छाया चित्र मंच से हटा दिया गया। वहीं उनके नाम से जो सम्मान दिया जाता था वो भी नहीं दिया गया। विरासत महोत्सव में स्वर्गीय जितेंद्र सिंह बुंदेला के नाम पर जमकर राजनीति देखने को मिली। सोशल मीडिया पर आमजन और भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया के बाद क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित ने नौगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तुरंत अपनी सफाई दी और कहा कि ये मेरे संज्ञान में नहीं था। जिसने भी यह हरकत की है उस पर जांच कर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। आज जितेंद्र सिंह बुंदेला का छाया चित्र भी मंच पर रखा जाएगा। साथ ही विधायक नीरज दीक्षित ने कहा कि जितेंद्र सिंह बुंदेला की पत्थर की प्रतिमा भी बनाकर अगले साल विरासत के मंच पर लगाई जाएगी। जब मैं पहुंचा तो ना मुझे वहां फोटो मिली, ना मुझे कोई जानकारी थी कि यहां फोटो रखी गई। आज विरासत महोत्सव जितेंद्र सिंह की देन है। जब वो इस क्षेत्र से बिजावर विधानसभा से विधायक थे तब उन्होंने चालू कराया था। आज उन्हीं के कारण ये महोत्सव इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। और एक अच्छे राजनेता के साथ साथ वो एक अच्छे समाज सेवी भी थे। हमारे एक पारिवारिक संबंध भी उनसे है और उनका हम सम्मान भी करते हैं। और जिसने भी ये गलती की है उसने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे जानकारी लगेगी तो मैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई कराऊँगा। आपको दोबारा आज लगाया जाएगा और भविष्य में आने वाले समय में पत्थर की उनकी मूर्ति बाकायदा बना के वहाँ स्थापित की जाएगी, क्योंकि विरासत की देन जितेंद्र सिंह बुंदेला जी। मुझे कुछ जानकारी नहीं है, ना मुझे बताया गया किसका सम्मान। हम लोग जब मंच से उतर के भी आ गए इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी का सम्मान के लिए बुलाया गया, पत्रकार विमोचन के लिए बुलाया गया। उसके साथ समिति या जो भी था वो बुला सकता था, ना कोई जानकारी दी गई कैसा प्रोग्राम। मेरा पहला प्रोग्राम था, मैं पहली बार गया था, मुझे आगे कोई जानकारी नहीं। ये गलत है, ना मुझे कोई जानकारी है ना प्रभारी मंत्री को। हमने इस बारे में कलेक्टर SP SDM से भी बात की, उन्हें भी ये जानकारी नहीं है कि फोटो रखी भी गई थी कि नहीं रखी गई थी। जिस तरह आरोप लगा है वो गलत आरोप है। और मेरा ये मानना है कि जो चीज़ जिसने दी है, आज जितेंद्र सिंह हमारे बीच नहीं है, आज उनने इस प्रोग्राम की शुरुआत दी थी, इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलना चाहिए, इसमें हमारा भरपूर सहयोग रहेगा और उनके सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचेगी, ये हमारा वादा है। वहीं दूसरी तरफ नौगांव BJP मंडल अध्यक्ष रवि रिछारिया ने कांग्रेस और विधायक पर जितेंद्र सिंह बुंदेला का अपमान बताया है। देखिए, कांग्रेस के शासन में ये पहली बार विरासत महोत्सव का आयोजन हुआ था। अभी तक पहली बार ही मौका था कि कांग्रेस को इस विरासत महोत्सव को आयोजन करने का अवसर मिला और पहली बार में ही कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने जो अपनी ओछी मानसिकता दिखाई, कल वहाँ पे मैंने देखा, मैं खुद उस कार्यक्रम में था। जो आयोजन समिति रहती है, पहले मंच पर 10 से 15 कुर्सियाँ लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे ये अतिथिगण पहुँचे उन्होंने केवल 5 और 6 कुर्सियाँ वहाँ पे मंच पर रहने दी, बाकी कुर्सियाँ हटा दी गई। आयोजन समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं उनको भी मंच पर नहीं बुलाया गया। और तो और प्रोटोकॉल में पंचायती राज में जहाँ कार्यक्रम हो रहा है उस पंचायत के सरपंच को भी मंच पर स्थान नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अगर ये सामान्य विधायक जी ये कहते हैं कि मुझे ये जानकारी नहीं थी तो ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। और अब अगर वो बाद में ये कहते हैं कि मैं उनको उचित सम्मान दिलाऊंगा, जितेंद्र सिंह बुंदेला जी की एक प्रतिमा भी लगाऊंगा, तो ये तो कहीं ना कहीं उनके रोल वेक को दिखाता है। और अब वो डर के अपने आप की अपनी जो उनकी फजीहत हुई है इस चीज़ को लेके उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुधारना कोई मतलब ही रहता है जब आप गलती कर बैठे हैं। अब आप डर के कारण पीछे हट रहे हैं तो ये कोई बात नहीं होती है। कांग्रेस ने अपनी छोटी मानसिकता के साथ में विरासत महोत्सव में जो कार्यक्रम में जो कमियां अपनी दिखाई हैं वह बेकार है और हम उसकी किसी प्रकार से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। नौगांव से विनोद विश्वकर्मा, सागर टीवी न्यूज। समर्पणी सफलता। यदि आप भी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो आपके सपनों को साकार करती द्रोणा IAS अकेडमी। 12th के बाद सीधे MPPSC एवं UPSC की तैयारी। 1500 से अधिक चयन MPPSC, UPSC, IAS, SSC,
MPSI, रेलवे, कांस्टेबल, बैंक पीओ की तैयारी करें। अशोक राजपूत सर, अश्विनी सर, अरविंद लोधी सर के साथ अपने सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। द्रोणा IAS अकेडमी, हमारा पता है लाल स्कूल के पास गायत्री मंदिर के सामने, गोपालगंज, सागर। हमारा नंबर है 9425404976।